हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम बैक ऑन माय चैनल दैट इज स्टाइल बाय भूमिका। और मैं हूँ आपकी दोस्त भूमिका। आई होप आप सब लोग अच्छे हो, चंगे भले हो और अपना ख्याल रख रहे हो, अपने घर वालों का भी ख्याल रख रहे हो। तो आज के वीडियो में मैंने जो स्टाइल टिप्स आपके साथ शेयर की है वो है ये पैंट। इस स्ट्राइप्स पैंट को मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे स्टाइल करते हैं अलग अलग तरीके से। और ये बहुत प्यारा लगता है, स्पेशली ये कलर, मुझे ये कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब एक होता है ना कि हाँ बहुत तरीके के आते हैं, बट इस कलर कॉम्बिनेशन में ना पाउडर ब्लू और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन डेडली और बहुत सही लगता है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बातें हो गई, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स, यहाँ पे मैंने इस पैंट को चार तरीके से स्टाइल करके बताया है। पहला लुक ये है जिसमें मैंने इस वाइट शर्ट को इसके साथ स्टाइल किया है। ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लगता है। यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा और स्टाइल देने के लिए इसमें एक नॉट बांधी है शर्ट के ऊपर और इसे अंदर की ओर टक कर लिया है। और ऊपर से एक या दो, आपका मन है, वो आप कितने भी बटन्स ओपन रख सकते हो, मैंने एक कर रखा हुआ है, ठीक है। और जो कि बहुत ही प्यारा लगता है ये कॉम्बिनेशन, क्योंकि क्या होता है ना, ये लाइट और थोड़ा सा डार्क शेड और इसमें वाइट कलर की ही स्ट्राइप्स होती है ना, तो और अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है। यहाँ पर मैंने एक नेक पीस पहन लिया है लेयर्स वाली गोल्डन कलर की और इसको थोड़ा सा पॉपअप देने के लिए वॉच पहन ली है स्काई ब्लू कलर की। इसके साथ मैंने ये फ्लैट्स लिए हुए हैं टैन कलर में, बिकॉज जो कि मेरे बैग के टैन कलर से मैच कर रहे थे और इसके स्ट्राइप्स से मैच कर रहे थे। ये बैग काफ़ी हद तक इसे जस्टिफाई कर रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना इसको ले लेते हैं, बिकॉज आज तक मैंने बैग किसी के साथ स्टाइल करके नहीं बताया, क्योंकि मेरे पास बैग शायद एक या दो ही हैं, मैं बैग ज़्यादा पसंद नहीं करती। अब कोशिश करूँगी थोड़े ले लेके आपको बताऊँ। सेकंड ये लुक है जिसमें मैंने ये ब्लू कलर की, मतलब नेवी ब्लू कलर की शर्ट कम टॉप का यूज़ किया है और यहाँ पे वही मैंने नेक पीस दोबारा से लेयर की है और स्टर्ट पहना हुआ है। नीचे पिंक कलर की बेलीज डाली है जिससे थोड़ा सा इसमें और पॉपअप होके आए पूरा लुक, और वॉच को चेंज कर दिया है थोड़े सा न्यूट कलर में, वॉच मैंने इस बार पिक किया है और बैग मैंने यही लिया है बिकॉज ये बैग ही जस्टिफाई करेगा, क्योंकि सेम स्ट्राइप्स वाली इसमें भी है और पैंट तो है ही है। और ये बहुत ही प्यारा लुक लग रहा है, आप चाहो तो इसे ऑफिस भी पहन सकते हो, चाहो तो क्या आप इसे ऑफिस पहन सकते हो, ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल लुक दे भी रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप बताना आपको कौन सा लुक सबसे अच्छा लग रहा है। और फिर तीसरे लुक में मैंने क्या किया है, इस वाइट कलर की टी शर्ट के साथ इसे स्टाइल किया है, जहाँ पे मैंने इस टी शर्ट को अंदर की ओर से थोड़ा सा कपड़ा खींचते हुए, जैसा कि आप देख रहे हो, और एक रबर बैंड की हेल्प से इसे सिक्योर कर लिया है, ठीक है। फिर बगल बगल में जो भी कपड़े बचते हैं उसे मैंने अंदर की ओर यूँ टक कर दिया है, ठीक है। इस लुक को मैंने कहीं पे तो देखा था, पर मैंने उसकी सेम कॉपी नहीं की है, इसमें मैंने थोड़ा सा अपना ऐड किया है, ठीक है, ताकि टी शर्ट का लुक ही थोड़ा चेंज हो जाए। वो बिल्कुल सिंपल सी थी और देखिए अब थोड़ा सा लुक चेंज हो गया और अच्छा भी लग रहा है ना। और यहाँ पर मैंने फिर इसको ब्लू कलर की ब्लेज़र के साथ स्टाइल किया है। आप इसे फॉर्मली भी वेयर कर सकते हो, कैजुअली भी वेयर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसे इस स्काई ब्लू कलर के स्नीकर्स के साथ पेयर किया है। अगर आपके पास वाइट कलर का स्नीकर्स है तो आप उसके साथ भी कर सकते हो, मैंने फॉर चेंज इसे ऐसा कर लिया। स्काई ब्लू कलर वाइट कलर के साथ भी कर सकते थे, उतना ही अच्छा लगता, मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा ब्लू के साथ इसे रखते हैं तो वो और अच्छा लगेगा, ठीक है। और लास्ट और फोर्थ लुक में मैंने इस ब्लैक कलर की ट्यूनिक कम शर्ट को लिया है और ये भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है अपने आप में ही, और आप देख के आपको लग भी रहा होगा। यहाँ पे मैंने इस सिल्वर नेक पीस को लिया है, या नेक सेट भी कह सकते हो, नेकलेस सॉरी, और यहाँ पे मैंने इसी के साथ इस ब्लैक ब्लेज़र को लिया है
और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी स्लीव्स को फोल्ड करके ऊपर की ओर कर लिया ताकि थोड़ा सा और स्मार्ट लुक लगे। और फॉर चेंज मैंने इसमें आपको बूट्स दिखाए हैं, अगर आपके पास हील्स हैं तो आप हील्स के साथ भी कर सकते हो। यहाँ मैंने वॉच पहनी है, आप चाहो तो ये ऑप्शनल है, आप पहनना हो तो पहन भी सकते हो, नहीं पहनना हो तो मत भी पहनो। और इस बार मैंने थोड़ी दोबारा से वो जो मेरी शुरू की हेयर स्टाइल होती थी उसे दोबारा से लगाने का काफ़ी टाइम हो गया है, थोड़ा नया लुक लगेगा और आपको शायद पसंद भी आए। तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपना भर भर के सपोर्ट करो यार। चैनल सब्सक्राइब करने में लाइक करने में कुछ नहीं लग रहा, प्लीज़ सपोर्ट मी, लव यू, लव लव। अगले वीडियो में मिलते हैं और खूब सारा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ ताकि मैं जल्दी से एक बड़ी वाली यूट्यूबर बन जाऊँ। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए लव लव, बाय बाय।